हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं हूं गणेश। मैं आज आपके लाए हूँ हाउ टू यूज जियो 4G वॉइस। जो फ़ोन वॉइस एलटी सपोर्ट नहीं करते उसमें आप यूज़ कर रहे हैं जियो 4G वॉइस, वो कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। फर्स्टली आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका फ़ोन वॉइस एलटी नहीं तो आप जियो की कॉलिंग का यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जियो 4G वॉइस नाम का ऐप है वो डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए ओपन करते हैं प्ले स्टोर में जाके। ये देखिए मैंने अभी इंस्टॉल किया है जियो 4G वॉइस का जो ऐप है। ये देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए जियो 4G वॉइस ओपन हो रहा है। बहुत ही बड़ा ऐप है इसलिए थोड़ा लोडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और इस ऐप को चलाने के लिए आपको कंपलसरी आपका डाटा ऑन रखना होगा। ये देखिए रजिस्टर विद जियो सिम, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा आपका कौन सा जियो सिम है, आपका नंबर क्या है। ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा। साइन इन नहीं, इसका मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन करता है, उसके बाद में वो ऑन हो जाता है। देखिए आपको डाटा ऑन रखना है डाउनलोड करने के बाद, तभी ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। वैसा तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा अगर आपका डाटा ऑफ है। देखिए लोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर फर्स्ट टाइम है तो टाइम लेगा ही थोड़ा, अगर बाद में आप रेगुलर यूज़ करते उसके लिए कोई टाइम नहीं लेगा। ये देखिए ओपन हो गया है। ये देखिए यहाँ पर बता रहे लेट्स गेट स्टार्टेड एक्सपीरियंस ऑफ न्यू एज ऑफ कम्युनिकेशन विद जियो 4G वॉइस। ये देखिए यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, आपको कोई ज़रूरत होगी ये पढ़ने की। तो इसमें दो फ्यूचर है जो कि वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, वो भी क्विकली, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद ये देखिए SMS चैट कर सकते हैं आप। उसके बाद में फन ऑल जो स्टिकर रहते हैं आप ज़्यादा वो जो हैक में यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं, वो स्टिकर भी इसमें अवेलेबल है। ये देखिए स्मार्ट कॉलिंग प्रीवियस बेस्ट एक्सपीरियंस ऑन योर फोन। ये देखिए उसके बाद में स्टार्ट, ये देखिए स्टार्ट हो गया है। ये देखिए स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर एक मिनट, ये देखिए जैसे ही ओपन हो जाता है जियो 4G वॉइस, ये ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। यहाँ से डायल पैड है, यहाँ पर आप कोई भी नंबर डालकर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए मैसेज एंड चैट के लिए, ये यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए ग्रुप में करना है या पर्सनल मैसेज भेजना है। ये देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी शो करेगा। उसके बाद में देखिए उसमें सेटिंग भी है। सेटिंग यानी कि आप अगर कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये सेटिंग है। सेटिंग ये देखिए यहाँ पर पूरा कॉलिंग का सेटअप है। ये देखिए यहाँ पर आपका जियो का नंबर शो करेगा, यहाँ पर आपका जियो का नंबर शो करेगा, यहाँ पर जियो का आपका जियो अकाउंट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है इस यहाँ पर स्टेटस करेगा। यहाँ पर अगर आपका ऑफलाइन शो करेगा तो आप कॉलिंग नहीं कर पाओगे। पहले तो आप अगर कॉलिंग करना है तो पहले डाटा ऑन रखें, उसके बाद में जियो 4G वॉइस ओपन करें। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन जब दिखेगा तभी आप कॉल करें। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग है जो कि आपके नॉर्मल फ़ोन में डायलर में यूज़ करते हैं आप। देखिए उसके बाद में यहाँ पर अबाउट गिवाउट, ये तो कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। तो देखिए अगर इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।